हे अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा हाशमी ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये वीडियो कहाँ की है। जिन्हें नहीं पता है वो एंड तक वीडियो देखें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्ट। रिवा शरीफ हमारे घर से 125 किलोमीटर की डिस्टेंस पे थी। हम लोग सुबह निकले तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, और फिर ऑटो आया, फिर हम लोग रोड पे भी कुछ नहीं दिख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग ना पहुँच गए, एंड उसके बाद हम लोग बाई बस थे, फिर वहाँ से निकले। और फिर स्टॉप लेने के बाद एक मज़ार शरीफ पर, जब हम लोग दिवे पहुँच गए तो मज़ार शरीफ पर गए थे। और ये मेरे भाई हैं, मैं उनको बहुत परेशान करती हूँ। अभी अभी एक क्लिप में ऐड कर रही हूँ, उसमें देखिए ना, मैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ। अभी जो गई है ना, वो मेरी मम्मा है। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ ले रहे थे, उन्होंने कुछ बोला। ये देखिए भाई जी आ गए, इनको मैं बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ। जब यार मैं मज़ार शरीफ पे एंटर हुई तो बता नहीं सकती ना, माशाल्लाह मेरा, मतलब मैं एकदम शॉक हो गई। वो फीलिंग था ना, कुछ कह नहीं पा रहा। पहली बार गई थी ना मैं, इसलिए मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। देखिए रिजवान भाई है, इनके साथ हम लोग गए थे, इनके थ्रू बहुत ज़्यादा सर्दी थी। फिर आग जलाई गई, और वहाँ पे तबर्रुक के लिए कुछ भाई लोगों ने इंतज़ाम कर रखा था बनाने का, तो वही सब बन रहा था। फिर मैंने बोला भाई बन गया तो खोल के दिखा दो, बना क्या नहीं बना। देन फिर ऐसा क्या होता है ना कि ऐसी जगह पे हम लोग जाते हैं ना यार, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने देखिए ना, साइड में रूम भी हैं कि अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, बहुत अच्छा था। और फिर ऐसी जगह पर यार इतना सुकून मिलता है। फिर माशाल्लाह नज़ारा अगर ऐसा है तो फिर बात ही कुछ और है। जब मैं एक तो मैं तो पहले ही बार गई थी ना, तो बहुत मतलब ऐसा एक्साइटमेंट था, ऐसी फीलिंग्स थी कि मैं शेयर ही नहीं कर सकती थी। अब मैं और अम्मी जा रहे थे मार्केट, मैंने कहा चलो कुछ देख के आते हैं। मज़ार के जस्ट बाहर ही खूब सारी शॉप्स लगी रहती हैं, तो मैंने कुछ थोड़ी बहुत सी चीज़ें ली हुई थी, और मैं आपको दिखा रही हूँ जितना मैंने कैप्चर कर रखा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मैंने ये वीडियो पाँच जनवरी को मैंने इसको शूट किया था, और मैं अपलोड करी 23 फेब को। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने इतना लेट में क्यों अपलोड किया है, या फिर इसके पीछे की क्या स्टोरी है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये वारिस पार्क के जहाँ की है, और अभी कुछ शॉप्स और हैं यहाँ पे, बहुत सारी ज्वेलरीज थी, अच्छी थी, अच्छा लग रहा था देखने में, और बहुत सारे लोग भी थे वहाँ पे। यहाँ पे कुछ स्वीट्स वगैरह थी, वहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी बहुत अच्छे थे, ये तो एल्युमिनियम के हैं। खुद खिलौने भी बहुत थे, मैं भी लेकर आई हूँ। और बाकी यहाँ से भी मैंने कुछ ख़रीदा था इस शॉप से, मैंने आई थिंक कुछ तो लिया था मैंने। फिर अब हम लोग वापस आ गए हैं मज़ार शरीफ पे, क्योंकि अब हम लोगों को वापस आने का टाइम हो रहा था घर। अभी अब हम लोग यहाँ से जाएंगे टैग बस पे। फाइनली वी आर गोइंग टू होम, एंड सब लोग आ चुके हैं अंदर। अब हम भी सो मच कि आप इन तक ही हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।